दरभंगा के दिग्गी स्थित मेडिकल व इंजीनियरिंग की जानी पहचानी कोचिंग संस्था एस्पायर इंस्टीट्यूट में नए सत्र के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संस्था के निदेशक बी कुमार ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से मेधावी छात्र जो किन्हीं कारणों से दरभंगा से बाहर चले जाते हैं, उन्हें दरभंगा में पढ़ाकर बेहतर परिणाम लाया जा सके, इसके लिए प्रयासरत है, जिससे कि दरभंगा का नाम राष्ट्रीय पटल पर आ सके और यहां के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। इसी क्रम में 22 मार्च को भी स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीकरण जारी है। जी बी कुमार सर, एज ए डायरेक्टर, आपके इस इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे परीक्षा के लिए, कितने बच्चे ऑलमोस्ट आपके जितने भी इंस्टीट्यूट के ब्रांच हैं उसमें टोटल मिलाकर कितने बच्चे फेल हुए होंगे? देखिए, ब्रांच इंस्टीट्यूट का मेरा तो एक ही है, यहीं पर, मतलब कि दिघी वेस्ट दरभंगा। हाँ, डिफरेंट सेंटर पर मेरा एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ दरभंगा से मेरा इंस्टीट्यूट पर मैंने दो फेज में एग्ज़ाम। जी सर, ये एस्पायर इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप के लिए जो परीक्षा हुई, इसमें किस क्लास के छात्र छात्राएँ भाग लिए? इसमें मेरे सेंटर पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक के परीक्षार्थी इसमें अपियर हुए थे, और मिला जुला के औसतन जो है, तो इससे पूर्व जो हम लोग टेस्ट लिए थे उससे भी इसमें अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों। अच्छा, नए सत्र के लिए ऐसी और कितनी परीक्षा होंगी? एक इसका सिलेक्शन टेस्ट तो हम लोग लेने जा रहे हैं 22 मार्च को, जो कि 2 स्विफ्ट में होगी ये एग्जामिनेशन। इसमें सिलेक्शन जो जीनियस सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है, इसमें एक साथ जो मीडियम इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उसके लिए मेरा स्पेशल व्यवस्था है, क्योंकि जो ज़्यादा जीनियस बच्चे हैं आउट ऑफ दरभंगा या कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं उसको हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि शून्य से शिखर तक, जैसा कि एस्पायर का अपना ब्रांड नेम है, वो भी रिफ़र करता है एस्पायर शिखर के लिए। इसलिए जो भी बच्चे हमारे यहाँ हैं उसको जीरो से लेकर के हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी जो है उसको उसी लेवल से लेकर के और हाईएस्ट पॉइंट तक उस बच्चे को इतना कंटेंट्स देते हैं, वो अपने आप पैर पर खड़ा हो जाता है और भविष्य में बेहतर रिजल्ट देता है।